हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, नवंबर के महीने में मतलब कि 1 नवंबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की दो मूवी, सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3। जिन दोनों मूवीज का अब तक थिएटर्स में रिलीज 25 डेज कंप्लीट हो चुका है और अभी भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सिंघम अगेन मूवी की बात करूँ, तो इस मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 375 करोड़ के आसपास का था। तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 3000 के आसपास के स्क्रीन पे हमारे इंडिया में रिलीज किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में थोड़ा बहुत हाइप होने के वजह से इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 41 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन करते हुए हमारे इंडिया में ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद मूवी का रिव्यू खराब निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें डिक्रीज होते हुए तो देखने को मिला ही है। जहाँ पे सिंघम अगेन मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 24 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 235 करोड़ 25 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 25 को लगभग 40 लाख से लेकर 50 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 24 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे सिंघम अगेन मूवी के 25 डेज का जो हमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है लगभग 235 करोड़ 65 लाख से लेकर 235 करोड़ 75 लाख के आसपास का चला जाता है। इसी के साथ ही इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 74 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जिन सारे कलेक्शन को अगर एक तरीके से टोटल किया जाए तो यहाँ पे सिंघम अगेन मूवी के 25 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है लगभग 345 करोड़ से लेकर 350 करोड़ के आसपास का ही जाता है। पर उसी के ऑपोजिट थिएटर में रिलीज हुआ भूलभुलैया 3, जिसका कि टोटल बजट लगभग 150 करोड़ के आसपास का था और इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग 30 करोड़ से लेकर 32 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन करते हुए हमारे इंडिया में ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का भी रिव्यू थोड़ा खराब निकलने के वजह से इसका भी डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें डिक्रीज होते हुए तो देखने को मिला। जहाँ पे भूलभुलैया 3 मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 24 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 229 करोड़ 40 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 25 को लगभग 50 लाख से लेकर 60 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन किया। जिस कलेक्शन को अगर इस मूवी के 24 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे भूलभुलैया 3 मूवी के 25 डेज का जो हमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है लगभग 229 करोड़ 90 लाख से लेकर 230 करोड़ के आसपास का ही जाता है, जो कि इस मूवी के 25 डेज का हमारे इंडिया का नेट कलेक्शन है। इसी के साथ इस मूवी ने ओवरसीज से भी अब तक 63 करोड़ से लेकर 65 करोड़ के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया है। जिन सारे कलेक्शन को अगर एक तरीके से टोटल किया जाए तो यहाँ पे भूलभुलैया 3 मूवी के 25 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 325 करोड़ से लेकर 327 करोड़ के आसपास का ही जाता है, जो कि एक 150 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए अच्छा कलेक्शन है। पर उसी के ऑपोजिट सिंघम अगेन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा बहुत कम तो है। चाहे इन दोनों मूवीज ने सेम लेवल का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो किया, पर यहाँ पे सिंघम अगेन मूवी का बजट थोड़ा सा ज्यादा होने के वजह से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इस मूवी ने कमी कलेक्शन किया है। अब हाँ, इन दोनों मूवीज के OTT और सैटेलाइट राइट्स को बेचते हुए जो अमाउंट इन मूवी के मेकर्स को मिला है उससे कहीं ना कहीं मूवी का जो बजट है वो तो आराम से रिकवर हो ही जाता। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर इन दोनों मूवीज को थिएटर में जाके देखा है तो आपको इन दोनों मूवीज में से कौन सा मूवी अच्छा लगा या फिर बुरा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।